दुनिया के 10 रहस्यमयी खजाने जिन्हें ढूंढने में लोगों ने अपनी जान तक गवा दी, जानेंगे आज के वीडियो में। नंबर 10, एल डोराडो का शापित खजाना। एल डोराडो एक ऐसा खजाना है जिसकी खोज में हजारों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। सैकड़ों साल पहले यहां के चिब्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंके। इस खजाने को पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने भी बहुत कोशिशों के बाद भी नाकाम रहे, और पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान तो पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश कर रहा था। नंबर 9, काहुएंगा दर्रा का खजाना। मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने सन 1864 में कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रस्ते में किसी कारणवश एक सैनिक मर गया तो बाकी के 3 सैनिकों ने उस खजाने को वही जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन एक व्यक्ति डिएगो मोरेना ने सैनिकों को खजाना गाड़ते हुए देख लिया था, और सैनिकों के वहां से जाने के बाद उस खजाने को वहां से निकलकर बगल में एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ दिया, लेकिन उसी रात एक रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 8, इंका सभ्यता का महान खजाना। कहा जाता है कि जितना सोना अमेरिका की बैंक के पास है, उससे भी कहीं ज्यादा सोना इंका लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचने के लिए वही के एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया था। इसकी तलाश में न जाने कितने लोग मारे गए और कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का पता नहीं चल पाया है। नंबर 7, ओक आइलैंड के गड्ढे। यह बात सन 1795 की है, जब ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास स्थित एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनी दिखी। जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक ताजा काफी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा, और जब उन बच्चों ने वहां पर और खुदाई की तो और अंदर उसमें नारियल के खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन मिल जाएंगे। इसके बाद कई लोगों ने इस खजाने की खोज की, लेकिन आज भी इसे पूरी तरह से नहीं खोजा गया है। नंबर 6, द अम्बेर रूम। पूरा सोने का बना कमरे जैसा एक चेंबर है, जो 1707 में पर्सिया द्वारा निर्माण किया गया। यह द अम्बेर रूम के अंदर से पूरा सोने का बना हुआ है। 1718 में पीटर द ग्रेट को रूस और पर्सिया के बीच शांति संधि के उत्सव के दौरान यह रूम गिफ्ट में दिया गया था, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते थे। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया था। फिर इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रख दिया गया था, लेकिन यह पूरा का पूरा द अम्बेर रूम गायब हो गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं चला। नंबर 5, चंगेज खान का श्रापित खजाना। मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा चंगेज खान था, जिसने अपने समय काल में लगभग पूरे झांत विश्व पर अपने विजय ध्वज को फहराया था। लेकिन 1227 में जब इसकी मौत हुई तो ऐसा कहा जाता है कि इसके शव को एक अज्ञात मकबरे में छुपाया गया, जिसमें उस समय के सबसे महान योद्धा के साथ उसका अथाह बेशकीमती खजाना भी रखा गया था, जिसे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। नंबर 4, अपाचे लोगों का खजाना। अपाचे लोग उत्तरी अमेरिका के एक आदिवासी समूह थे। ये लोग बहुत बहादुर और लड़ाकू थे। कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने एक सोने और चांदी से भरे हुए ट्रेन के डिब्बे को लूट लिया था। इस लूट का मूल्य करोड़ों में था। अपाचे लोगों ने इस खजाने को एरिजोना के विंचेस्टर माउंटेन में छुपा दिया था। नंबर 3, लियोन त्रबुको का शापित खजाना। सन 1930 में अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था। उस वक्त अमेरिकी सरकार को सोने की बहुत जरूरत थी, और उसी समय मैक्सिको में खरबपति व्यापारी लियोन त्रबुको ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमयी उड़ाने भरी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस खरबपति व्यापारी तथा उसके कई मित्रों ने अवैध लगभग 16 टन सोने का भंडार रेगिस्तान में कहीं छुपाया दिया था, और सब इसी उम्मीद में थे कि जल्द ही सोने के दाम और बढ़ेंगे और तब यह इस सोने की तस्करी के द्वारा अथाह पैसा कमाएंगे। लेकिन तभी अमेरिकी सरकार ने एक बिल पास कर दिया, जिसमें सोने का निजी मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, द लास्ट डचमैन माइन। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में एक सोने की खदान की खोज के बारे में एक रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि यह खदान सुपरस्टिशन पर्वतों में कहीं छिपी हुई है। एक डच व्यक्ति जैकब वाल्ज ने इस खदान को खोज निकाला था, लेकिन वह इसे खोजने के बाद जल्द ही मर गया। 1931 में एडोल्फ रूथ ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, वह लापता हो गया, और 2 साल बाद उसकी हड्डियां मिली। उसके साथ एक नोट मिला था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ। नंबर 1, चार्लर्स आइलैंड का श्रापित खजाना। अमेरिका में मिलफोर्ड के पास एक छोटा सा द्वीप स्थित है, और इस पूरे द्वीप को श्रापित माना जाता है। सन 1721 में मैक्सिकन सम्राट ग्वेटमोजीन का धन चोरी हो गया था, और उसे यहाँ मल्लाहों ने छिपा दिया था। 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुंचे तो प्रेतमाओं ने उन्हें मार दिया। उनके यहाँ पहुंचते ही हड्डियों के ढांचे
कवचों से आग की लपटें निकलने लगी थी। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिल सका। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले बताते हैं कि वहाँ रहस्यम लाइट्स दिखाई देती है और अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों कमेंट करके बताना कौन सी रहस्यमय जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।